इस समय भाईजान सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेलीविजन पर रामायण का क्रेज अब तक बना हुआ है। शो भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन लोगों के दिलों में ये अभी भी छाया हुआ है और यही बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस रामायण को ट्रेंड कर रहे हैं, इस पर फिल्म बनाने की मांग भी कर रहे हैं। इतने नहीं, फैंस ने इसके लिए निर्देशक भी फाइनल कर लिया है। लोगों के अनुसार रामायण पर फिल्म बनाने के लिए SS राजामौली से बेहतर कोई निर्देशक नहीं हो सकता। रामानंद सागर की रामायण के टेलीकास्ट ने दूरदर्शन पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये बीच भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है। लिहाजा शो की सफलता को देखते हुए सोशल मीडिया पर फैंस अब बाहुबली निर्देशक SS राजामौली से रामायण पर फिल्म बनाने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में फैंस की चॉइस पर सवाल नहीं किया जा सकता है। बाहुबली जैसी विशाल फिल्म के बाद उम्मीद की जा सकती है कि रामायण पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी राजामौली बेहतरीन निभा सकते हैं। हालांकि बताते चले, रामायण पर बॉलीवुड निर्देशक नितेश तिवारी एक फिल्म फाइनल कर चुके हैं। हालांकि इसी के साथ ही आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि राजामौली की फिल्म के निर्देशक की मांग के साथ साथ फैंस ने सलमान खान को राम के किरदार में लेने की मांग भी की है। फैंस के अनुसार राम के किरदार में सलमान बिल्कुल सटीक लगेंगे। बाहुबली निर्देशक SS राजामौली ने जिस हिसाब से अपनी फिल्म का निर्देशन किया था, उस हिसाब से फैंस ने उनसे यही उम्मीद लगाई है। रामायण का जिस तरीके से वो निर्देशन करेंगे, वो वाकई काबिलियत तारीफ होगी। भगवान राम के किरदार में सलमान खान को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर फैंस अपनी बातों को पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और रामायण के ट्रेंड को देखते हुए जाहिर सी बात है, सिर्फ बॉलीवुड जगत ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से जुड़ा हर एक व्यक्ति इस पर जरूर गौर करेगा और हो सकता है आने वाले दिनों में बॉलीवुड या फिर किसी और इंडस्ट्री से जुड़ा बड़ा निर्देशक इस फिल्म के लिए हामी भी भर सकता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और इस खबर पर आपको क्या कहना है, कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।